जी, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल मेथड ऑफ अल्काइन को हमने ख़त्म किया है। जनरल मेथड में क्या होता है, आप किसी भी अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो इथाइन हो, चाहे वो प्रोपाइन हो, चाहे वो ब्यूटाइन हो, एनी आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम जो भी हमारे पास हो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक और मेथड जो है वो शामिल किया गया, वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। अब इसको इंडस्ट्रियली हम लोग इथाइन को इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है इसको हमारे पास, इस मेथड से हम कोई जनरल मेथड जो नहीं है इसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ हम लोग इथाइन को प्रिपेयर करते हैं। कैसे जी? इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, उसका हम लोग क्या करते हैं कार्बन यानी कोक के साथ हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं, और इसका हम लोग 2000 सेल्सियस हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। और ये जो टेम्परेचर है 2000 सेल्सियस, ये किसी आप लोग आम फर्नेस के अंदर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर आप लोग ये टेम्परेचर को क्या करेंगे, इस टेम्परेचर तक पहुंच के आप ये कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड बनेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्योंकि 2 है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2, तो कैल्शियम कार्बाइड साथ में हमारे पास क्या बन गया जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, बल्कि इसमें हाँ जी ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें 3 नंबर ऑफ मोल हम लोग लेंगे कार्बन, ठीक है, तो साथ में हमारे पास क्या होगा, इसमें से 2 कैल्शियम कार्बाइड ये बन गया और साथ में एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इस कैल्शियम कार्बाइड का हम लोगों ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, जिस तरह हम लोग लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड तो हम इसको लिखते हैं CaCl2, क्योंकि एल्युमिनियम की क्या होती है, -1 होती है। तो ये कैल्शियम जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, 3 ये आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ और ये 2 इसके साथ किसके साथ बना रहा है, कैल्शियम के साथ बना रहा है। 2 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, जब हम कैल्शियम कार्बाइड का हमारे पास एक सॉलिड सा पीस होता है, उस कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग क्या करेंगे, किसी बर्तन के अंदर लेंगे, उसके अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा एक जो गैस सी हमारे पास जो बनेगी, उस गैस को हम लोग वो यहाँ से जो बन रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, एसीटाइलीन होगी, या जिसको आप क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। ये एसीटाइलीन या इथाइन वो गैस है जिसको आप लोग वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वेल्डिंग, यू नो दैट कि वेल्डिंग जो हम लोग आम जो हम लोग गैसेस की जो वेल्डिंग होती है उसमें ये वाली गैस क्या होती है, यूज़ होती है। इसमें क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोक्सिल हैं, तो यहाँ पर इनके साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी, इस कार्बन, इस हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस कैल्शियम का क्या बन जाएगा, ये 2 हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बना के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन है, ये जनरल हम लोग अगर आप अल्केन की आपको आती हैं तो इसी तरह अल्कीन की हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग है, और इसी तरह हमारे पास अल्काइन है। कुछ हमारे पास कॉमन होती हैं जो हम लोग ये लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कि जो फर्स्ट मेंबर इसका हमारे पास इथाइन है, जिसको आप एसीटाइलीन भी बोलते हैं, इसकी हमारे पास गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। बस इसके अलावा बाकी जितनी भी हमारे पास प्रोपाइन ब्यूटाइन जितनी भी हमारे पास गैसेज होती हैं या जितनी भी हमारे पास अल्काइन होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, उनकी कोई हमारे पास ना बू होती है ना ही उनका कोई कलर होता है। C5 से लेकर C12 तक यानी प्रोपाइन से लेकर C12 तक हमारे पास ये लिक्विड होते हैं, उसके बाद C12 टू ऑनवर्ड हमारे पास ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। यू नो कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से वो किस में जा रहा होता है, सॉलिड में जा रहा होता है। तो वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उनके जो डेंसिटीज हैं वो हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। जिस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी वगैरह भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर डिफरेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और ये नॉन पोलर जो होते हैं वो पोलर चीज़ों के अंदर हल नहीं होते, क्योंकि वाटर एक पोलर है, ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, ये नॉन पोलर लाइक बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन जैसी चीज़ों के अंदर क्या होते हैं, सोलबल होते हैं। दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। ये हम लोगों ने लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें भी हमने कंपेयर करना है इसको अल्कीन के साथ और अल्केन के साथ, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो अल्काइन है उसकी रिएक्टिविटी किस तरह की है। तो यू नो दैट के
जो अल्काइन होता है हमारे पास, उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपने चैप्टर 7 पढ़ा था जब हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, तो आपने के पास देखा था कि जब भी कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक तो उनके दरमियान होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा उनके दरमियान क्या होता था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज पी वाई होता था, वो आपस में ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से क्या होता था, एक हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनता था। फिर हमारे पास एक और अनहाइब्रिडाइज पी जी ऑर्बिटल होता था, उनके आपस में ओवरलैप करने से क्या बनता था कि अनदर पाई ऑर्बिटल बनता था। तो जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका मतलब उसमें ये है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और उसमें टू क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अल्किन के केस में क्या होता है, अल्किन के केस में एक सिंगल बॉन्ड होता है, यानी CH2 CH2, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इतनी होती है कि सिर्फ जो दो हमारे पास बॉन्ड होते हैं। लेकिन अल्काइन के केस में आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर टू पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, टू यहाँ पर पाई होने की वजह से, यहाँ पर इन कार्बन के कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बिटवीन कार्बन एटम के दरमियान वो मोर है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कार्बन और कार्बन दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होने की वजह से वो दो कार्बन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अल्किन, जिसकी वजह से इनका जो हम लोग बॉन्ड लेंथ होती है वो अल्किन की निस्बत क्या हो जाती है, लेस होती है। और इसी वजह से हमारे पास जो अल्काइन होते हैं वो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि वो वाली चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो ईजिली अवेलेबल नहीं होती, वो इलेक्ट्रोफाइल उनके ऊपर आके अटैक नहीं कर पाता। इस वजह से अल्काइन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्किन। इसको हम लोग लास्ट के अंदर इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इन अल्काइन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आर नॉट टू मच एक्सपोज, मतलब कि वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, ज़्यादा अयान नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये अल्काइन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्किन। लेकिन याद रखिएगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लोफाइल नहीं। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन जो अल्केन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है, जो अल्किन होते हैं उनके अंदर 134, और कार्बन कार्बन जो हमारे पास अल्काइन होते हैं उनके दरमियान कितनी होती है, 120 पिकोमीटर। तो यू नो दैट कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है उनके ऊपर ज़्यादा होने की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, और इसी वजह से ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्किन के। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब इसी तरह जिस तरह हमारे पास अल्किन अनसैचुरेटेड थी, तो अपने आप को सैचुरेट करने के लिए क्या करती थी, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करती थी, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड की निस्बत जो हमारे पास वीक होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन। अगर हम देखें ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इसकी वजह से ये क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं लाइक अल्किन। इसमें जो हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन जो पहले पढ़ने हैं वो हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हैलोजिन है और एडिशन ऑफ हैलोजिन एसिड है, इनको हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस तरह आपने अल्किन में देखा था हाइड्रोजन की आपने एडिशन की थी, हाइड्रोजिनेशन भी इसको बोलते हैं, द हाइड्रोजिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो हमने एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर मैं आप लोग कोई भी हाइड्रोजन लगा दें इसकी जगह पर, या कोई भी आप लोग मिथाइल इथाइल ग्रुप कोई भी लगा दें, डिपेंड अपॉन कि आप लोगों का जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कौन सा अल्काइन या कौन सा अल्किन आप इससे क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, हमारे पास हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ये टू स्टेप हमारे पास प्रोसेस होता है, इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, यानी कि दो दफ़ा हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजनेशन होगी। इसमें क्या होगा, आप लोग डिफरेंट कंडीशन यूज़ करते हैं, अगर आप प्लाटीनियम या प्लाटीनियम लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, प्लाटीनियम और प्लाटीनियम की मौजूदगी में हमारे पास यही रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हम लोग निकल को यूज़ करें, जो सिंपल निकल है उसकी मौजूदगी में आप लोग क्या करेंगे, आपको 200 से 300 क्या करने पड़ेगा, सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। थर्ड में क्या है, आप लोग रेने निकल को यूज़ करें, रेने निकल जो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने प्रिपेयर भी किया था कि हमारे पास एक निकल एल्युमिनियम का अलॉय होता है, उसका आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उससे हमारे पास एक निकल जो प्रिपेयर होती है हमारे पास पाउडर फॉर्म के अंदर, नैनो पार्टिकल की फॉर्म में पाउडर फॉर्म के अंदर जो हमारे पास निकल प्रिपेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेने निकल। इसके साथ हमारे पास क्या बनता है जी, सोडियम एल्युमिनेट बनता है, हमें इससे कंसर्न है।
तो ये इसको अगर आप यूज करेंगे रैने निकल को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 to 120 सेल्सियस टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। तो आप जोन सी कंडीशन लिखेंगे उसके साथ आप लोगों ने टेम्परेचर को लिखना है। अगर रैने निकल लिखेंगे तो 100 से 120, अगर निकल लिखेंगे तो 200 से 30। प्लाटिनियम और प्लाटिनियम को यूज करेंगे तो एट रूम टेम्परेचर। बट हम इस प्लाटिनियम और प्लाटिनियम को यूज़ नहीं करते, वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादा इसको और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। होगा क्या कि हमारे पास एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में चला जाएगा, फिर क्या होगा एक और हाइड्रोजन ही आएगी हमारे पास मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, ये ट्रिपल बॉन्ड किस में चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अल्काइन से क्या चले जाते हैं, अल्केन में चले जाते हैं। तो दिस इज अ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ हैलोजन। जिस तरह आप लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड किया है, इसी तरह आपने हैलोजन को ऐड करना है। अब हैलोजन हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ना हम फ्लोरीन को यूज़ करते हैं, ना हम आयोडीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देती है, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए टफ हो जाता है। और जो आयोडीन को हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन देती है, हमारे पास जो यील्ड आती है वो बहुत कम आती है, इस वजह से हम इसको भी यूज़ नहीं करते। बाकी रहेगा हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हमारे पास इक्वल रेट देते हैं, इसलिए हम क्लोरीन को लिख लें या ब्रोमीन को लिख लें, आप लोगों की अपनी मर्जी है, इसलिए हम ज़्यादा इसको ही यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसी तरह ही जिस तरह हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, उसी तरह हम Cl2 को ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक Cl इसके पास, एक Cl इसके पास, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला जाएगा। अनदर हम क्लोरीन लेंगे, एक क्लोरीन इसके पास और एक क्लोरीन इसके पास, और हमारे पास वो सिंगल बॉन्ड किस में चला जाएगा, डबल बॉन्ड। यही काम आप लोगों ने जब आप लोगों ने अल्काइन को प्रिपेयर किया था, यही काम आप इसके रिवर्स किस तरह किया था आपने, ये क्या है असल में वेसनल टेट्रा हैलाइड्स है या टेट्रा हैलाइड्स, जब आपने कहा था डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स, तो क्या करता था आप इसी चीज का आप रिएक्शन करवाते थे जिंक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ZnCl2 बनता था, ये दो क्लोरीन निकलती थी और क्या बनता था, CH डबल बॉन्ड, CH, Cl और Cl। फिर आप लोग अगेन क्या करते थे, इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाते थे, तो अगेन क्या हो जाता था, ये दोनों Cl यहाँ से रिमूव हो जाती थी और क्या बन जाता था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वही काम ही हो रहा है, सिर्फ हम इसके उल्ट चल रहे हैं कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें से रिमूव करवा रहे थे, अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड।